सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रेस क्लब के जितने भी मेंबर यहाँ पे पधारे हुए हैं। तो आज हमारे रिक्वेस्ट पे आप लोग आए हैं, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज हमारा ज्वाइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो ज्वाइंटली हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं नुब्रा का, भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट तंजिन ग्लेक्स जी, और जांस्कर से मैं तंजिन लाक्पा, बीजेपी का प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो हमारा मेन मकसद यह है कि आज आप सबको बुलाने का, कि अभी 2 दिन पहले 10 तारीख को एक डिसीजन हमें देखने को मिला मीडिया के माध्यम से, और पढ़ने को मिला कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक निर्णय लिया है कि जांस्कर और नुब्रा को अलग से एक डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाएगा आने वाले बहुत कम समय में। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे मोदी सरकार को धन्यवाद देने आए हैं, हमारे यूनियन गवर्नमेंट को धन्यवाद देने के लिए। हम दोनों यहाँ से नुब्रा और जांस्कर से अभी यहाँ पे आके एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हम इस डिसीजन को, सरकार की इस डिसीजन को वेलकम करते हुए हम सबको, मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, ऑनरेबल ऑनरेबल एमओएस होम नित्यानंद राय जी को, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख बी डी मिश्रा जी को, और हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट श्री जामयांग श्री नामग्याल जी को, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर टाशी गैल्सन जी को। उसी तरह हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी को हम धन्यवाद देते हैं। उसी तरह हमारे स्टेट के बीजेपी के प्रेसिडेंट श्री फुनसोक तंजिन जी को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ में हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे जांस्कर और नुब्रा के सभी निवासियों को, चाहे उसमें हमारे ओपोजिशन लीडर, चाहे कांग्रेस वाला हो, एनसी वाला हो, सभी ने एकजुट होकर ये स्ट्राइव किया था, ये स्ट्रगल किया था कि जांस्कर और नुब्रा को अलग से डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए बोल के सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा गया था। उस हिसाब से चाहे वो हमारा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, बुद्धिस्ट एसोसिएशन नुब्रा हो, मुस्लिम एसोसिएशन नुब्रा हो, बुद्धिस्ट एसोसिएशन जांस्कर हो, नुब्रा हो, मुस्लिम एसोसिएशन जांस्कर हो, उसी तरह जितने भी काउंसलर है, बीडीसी है, सभी के मेहनत, सभी के जो हार्ड वर्क से ये प्रस्ताव जो है आज एक डिसीजन पे पहुंचा है। इस चीज़ के लिए, इस डिसीजन को हम वेलकम करते हुए सभी लीडर को हम कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ धन्यवाद भी देते हैं। तो थैंक यू सो मच मोदी सरकार। और तो महज आज एक डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसी तरह अनेकों काम हुआ है जांस्कर और नुब्रा में, वो सब हम बाद में फिर विस्तार से फिर दोबारा हम इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मैं अभी हमारे साथ नुब्रा के प्रेसिडेंट तंजिन गलेक जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो चंद शब्द बोले। जुली जी, सबको जैसे आज अभी लखपत जी ने फरमाया, जैसे कि 2 दिन पहले पेपर में आए थे, न्यूज़ में आए थे कि नुब्रा और जांस्कर को बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया जाएगा, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये एक बहुत पुराना मांग था डिस्ट्रिक्ट का, नुब्रा और जांस्कर। बहुत टाइम से, बहुत काफ़ी समय से हम जॉइंट डेलीगेशन हर जगह जा रहे थे, तो इसी डिस्ट्रिक्ट के मुद्दे को लेके, तो ये जो है कल हमें सुनने को मिला कि बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है, तो हम मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ऑफिशियली हमें अनाउंस किया जाए, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्द होगा। साथ ही साथ हम नरेंद्र मोदी जी, जैसे होम मिनिस्टर ऑनरेबल अमित शाह जी, होम अफेयर्स के मिनिस्टर नित्यानंद राय जी, इसी तरह से नेशनल प्रेसिडेंट जी पी नड्डा साहब, इस तरह से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर बी डी मिश्रा साहब, ऑनरेबल एमपी साहब, ऑनरेबल सीसी साहब, और जितने भी हमारे इस काम पे जिनका सहयोग है, हम उन सबको, हम नुब्रा और जांस्कर की ओर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो हमारी स्टेट, स्पेशली हमारे स्टेट प्रेसिडेंट फुनसोक तंजीन जी की हम बहुत ही आभारी हैं, तो हर हर समय वो दिल्ली जाके सबसे हमारे डिमांड को पास में रखा, तो हम इस चीज़ को, हम नुब्रा और जांस्कर तमाम लोगों की ओर से मोदी सरकार और जितने भी हमारे इसमें साथ दिए, जिन्होंने हमारे बात को आगे तक पहुँचा, हम उन सबको धन्यवाद देना चाहेंगे, सबको। जूली जी,